मकसूदनगढ़ में चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह ने ली मकसूदनगढ़ तहसील में समीक्षा बैठक, जिसमें सभी विभागों के अधिकारियों और आम जनता ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह ने लगाई लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को फटकार। जी नसीरपुर में 10 से 15 बताइए आपका स्वयं का नुकसान है, कितना परसेंट करीब बता रहे हो? जी नसीरपुर में 10 से 15 हर महीने समीक्षा होगी। जी जी प्रति माह, प्रति माह एक समीक्षा होगी। जी जी और निरंतर हर हफ्ते एक कैंप लगेगा एक पंचायत और विभाग वाइज, जैसे अभी 15 या 12 विभाग हैं, जो भी जितने विभाग हैं, तो 12 पंचायतों में एक दिन में एक विभाग जाएगा, ठीक है ना? तो 12 पंचायतें एक दिन में निपट गई है ना, फिर वो विभाग रोटेट करेंगे, तो हर विभाग एक पंचायत में कभी ना कभी पहुंचेगा महीने में 2 महीने में, और उसकी वही निराकरण समस्याओं का निराकरण नहीं करेगा। सरकार गांव में जाके घर में जाके वही समस्या का समाधान करेगी, इसमें कोई बड़ा अफसर या छोटा अफसर नहीं है। अभी हम कोशिश करेंगे कि जिलाधीश महोदय भी दौरा करें, वो भी करेंगे, SDO भी दौरा करेंगे, ठीक है? अभी ये जल्दबाजी में करी मीटिंग, तो इसलिए सारे अधिकारी नहीं आए, लेकिन जिलाधीश महोदय को भी हम कहेंगे कि वो जाके गांव-गांव में जाके घूमें, पहले घूमते थे तो वो भी जाएंगे। क्या सर ये मान, महोदय भी जाएंगे? हाँ क्या सर ये माने कि जनता दरबार लगने की शुरुआत हो चुकी है? जनता के राज में जनता का दरबार ही लगेगा, हमारा राजा महाराजाओं का दरबार थोड़ी लगेगा। देखिए ये समीक्षा बैठक, इसमें हमने जनता की भागीदारी भी रखी। पहले जो भी समीक्षा बैठक होती थी वो कमरे में होती थी, अब समीक्षा क्या हो रही है, कमरे में क्या बात हो रही है, जनता को पता नहीं चलता था। तो हमने कहा भाई समीक्षा बैठक जो होगी वो जनता के सामने हो, आखिर समीक्षा जनता के काम की हो रही है, जनता के जनता को पता तो चले। कल चाचौड़ा में भी और यहाँ भी समीक्षा बैठक हमने जनता के बीच में करी, आगे जो भी समीक्षा होगी वो जनता के बीच में होगी। अधिकारियों को हमने कहा है कि आप गांव में जाकर समीक्षा करिए, हर पंचायत मुख्यालय पे जाके कैंप लगाइए, और कैंप में जो आवेदन आते हैं उनको पंजीबद्ध करिए, पंजीबद्ध करके जो सही हैं आवेदन उन पे कार्रवाई करिए, कई आवेदन अगर कुछ गलत भी आते हैं उनका परीक्षण करिए, उनकी जांच करिए, लेकिन निराकरण जो है समस्या का वो गांव के गांव में होना चाहिए। यहाँ भीड़ नहीं लगना चाहिए, यहाँ भीड़ लगती मतलब कुछ गड़बड़ है, तो भीड़ अगर नहीं लग रही है इसका मतलब है काम हो रहे हैं, तो हमको यहाँ सरकारी दफ्तरों में भीड़ नहीं चाहिए, ठीक है ना? ये समीक्षा के लिए आगामी मतलब